जो है नेक्स्ट द एयर कवर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। फिर दूसरा जो है ड्यू टू इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर विंड डायरेक्शन ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा चेंज दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंटल चेंज। एनवायरमेंटल चेंज क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग जो है वो यहाँ पे कुछ उन्होंने बताया है रीजंस उन सब चीज़ों की वजह से एनवायरमेंटल चेंज होता है। तो कौन सी चीज़ें वो होती हैं? वो ग्लोबल वार्मिंग है, फिर जो टेम्परेचर है, फिर विंड डायरेक्शन, फिर ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, ये सारे चेंजेस की वजह से एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं। ये सारे चेंजेस की वजह से जो है एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं। क्लियर समझ में आया? ये सब जो चेंज होते हैं एनवायरमेंटल चेंज हो गया एनवायरमेंट हाँ होता है। ये सब जो है एक तरीके के हार्मफुलनेस के लिए होता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो प्रॉब्लम होगी ह्यूमिडिटी, प्रॉब्लम होगी टेम्परेचर, प्रॉब्लम होगी विंड डायरेक्शन चेंज होगी तो प्रॉब्लम, ये सब कुछ जो है प्रॉब्लम मतलब होती है और एटमोसफेयर को हार्म करती है और एनवायरमेंट में चेंजेस आते हैं। चेंजेस कैसे? तो हानिकारक चेंजेस जो हमारे लिए एनिमल्स के लिए प्लांट्स के लिए सबके लिए हार्मफुल है। सबके लिए कैसे है? वो हार्मफुल है। क्लियर समझ में आया? चलो तो समझ में आया, इतना तीन पॉइंट समझ में आया। अब जो है हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एवरेज कंडीशन ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रेनफॉल ओवर अ रीजन इज कॉल्ड वेदर। जो एक छोटा शॉर्ट टर्म एवरेज कंडीशन जो बताते हैं क्लाइमेट का, वेदर का, रेनफॉल का, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वेदर बोलते हैं। शॉर्ट टर्म एवरेज कंडीशन कंडीशन रेनफॉल की फिर कितना रेन होगा, कितने टेम्परेचर हम बोलते हैं ना कि हाँ अभी न्यूज़ में आया है कि दो दिन बाद बारिश आने वाली है, बहुत जोर से आगाही आई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो शॉर्ट टर्म कंडीशन बताते हैं उसको हम वेदर बोलेंगे और जो लॉन्ग टर्म कंडीशन जो होती है वेदर रेन सॉरी रेनफॉल की जो कंडीशन है वो है ना एक की कंडीशन है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, जब वो सब जो लॉन्ग टर्म वाला बताते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? क्लाइमेट। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लाइमेट बोलेंगे। जो शॉर्ट टर्म जो है एवरेज कंडीशन बताते हैं रेनफॉल की है उसको हम वेदर बोलेंगे, जो लॉन्ग टर्म है उसको हम क्या बोलेंगे? क्लाइमेट। क्लियर समझ में आया? वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है? वेदर और क्लाइमेट दोनों इम्पोर्टेंट है याद रखना, क्योंकि उसमें सिर्फ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। इसलिए जो है वेदर में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो है वो अच्छे से ध्यान में रखना। वेदर बोले तो शॉर्ट टर्म, क्लाइमेट बोले तो लॉन्ग टर्म, इस तरीके से याद कर लो तो अभी ईजी है, क्योंकि उसके अंदर जो है कंटेंट सेम है दोनों का, पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म थोड़े टाइम के जो चीज़ें यूज आती हैं रिलेटेड टू दिस रेनफॉल एंड टेम्परेचर कंडीशन उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं, शॉर्ट टर्म वेदर। और जो ज़्यादा टाइम की पूरे दो साल एक साल पूरे साल की एक साल बदल है उसको क्लाइमेट बोलते हैं। क्लियर समझ में आया? वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट। क्लियर, अब जो है हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ये समझ में आया क्लाइमेट क्या होता है समझ में आया, वेदर क्या होता है वो समझ में आया। अब नेक्स्ट इन द रीजन ऑफ कोल्ड क्लाइमेट देयर इज लेस सोलर एनर्जी। जहाँ पे कोल्ड रीजन है ठंडा तो वहाँ पे क्या है ठंडा होता है, क्यों होता है? क्योंकि वहाँ सौर नहीं होता। कम सोलर एनर्जी के वजह से जो है जो डेवलपमेंट जो होता है प्लांट्स में वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। प्लांट्स का डेवलपमेंट जितना जैसा होना चाहिए वैसा वो नहीं होता, क्यों? तो वहाँ पे जो है कोल्ड क्लाइमेट है तो सन नहीं होता, तो सन ना होने की वजह से ऐसा होता है। क्लियर, तो
फ्रूट्स है ना, उन सबको प्रॉपर वेजिटेशन मिले, वो वेजिटेबल को वेजिटेशन मिले। ध्यान से सुना, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो वेजिटेबल को वेजिटेशन मिले प्रॉपर। इसके लिए एक ग्रीन कलर का जो है क्लोथ ऐसा उसके ऊपर, और कवर ऑफ ग्लास और क्लोथ, एक ग्लास कांच का कवर या तो एक क्लोथ जो है उससे ऊपर कवर कर देते हैं, और दिस हेल्प्स टू रिटेन द हीट। और इसके वजह से क्या होता है, हेल्प होता है टू रिटेन करके रखने के लिए हीट को, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हर एक नहीं मिलने होता,
अच्छी क्वालिटी लिखो तो उसमें नहीं होता, तब नहीं होते प्रॉपर होते तो उसमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो फ्रेज होते हैं बेकरी के यहाँ पर, उसके अंदर से जो निकलती है हवा उसमें से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो सब चीज़ें जो है मिलके क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है एटमोसफेयर में जाके ऊपर चली जाती है, और हमारे ओजोन लेयर होल क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से हुआ है। इसलिए हो सके तब तक आपको CFC वाला आकर कोई भी चीज़ है जिसमें रिजनेबल एलिमेंट उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है आपको वो यूज़ नहीं करना चाहिए, समझिए आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। क्लियर, इतना समझ में आया आपको? एवं ये जो है सिर्फ घटना नहीं, नॉर्मली प्रैक्टिकली हमें पता होना चाहिए ना ये चीज़ें हमारे एटमोसफेयर पर काम कर रहे हैं, हमारे अर्थ को काम कर रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए है ना। इसलिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, आपके फ्यूचर में हमारे अर्थ को हमारे एटमोसफेयर को इससे जितना अर्थ पर काम होगा ना उतना ही खराब है हमारा होता जाएगा दिन ब दिन। और भी जैसे ये कोरोना है तो कोरोना के कितना प्रॉब्लम हो रहा है, इनकम नहीं है, बिजनेस नहीं है, इंडस्ट्रियल नहीं है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, अगर सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन होता कहीं भी किसी को लग गया है सब मिल के सब काम करें तो इतने सारे लोगों को लग जाता है, इवन कितने जगह संभव भी है। तो वैसे ही धीमे धीमे अपनी कंडीशन जो है अगर हम हमारे अर्थ की केयर नहीं करेंगे तो जो है और कंडीशन खराब होगी, कंडीशन जो है बहुत खराब हो जाएगी और हमारे लाइफ हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को और खराब लाइफ मिलेगी। इसलिए हो सके तब तक हमारे एटमोसफेयर को हमारे अर्थ को हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। क्लियर, समझ में आया? चलिए अब हमने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ लिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ लिया, अब जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। Of these gases retain the heat due to their increase, global temperature has increased. जैसे मैं बोल रहा हूँ ये सब जो हीट है उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो लोग हीट जो है हीट बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सब कुछ ज़्यादा हो जाएगा और फिर जो है इसकी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशन में प्रॉब्लम होगी। क्लाइमेटिक कंडीशन क्लाइमेट जो है उसमें प्रॉब्लम होगी, तो क्लाइमेटिक कंडीशन में दिस रीजन जो है प्रॉब्लम को और हमें भी फिर उसमें हेल्थ में प्लांट्स में सब जगह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए हो सके तब तक हमें ऐसा नहीं करना है कि हमारे अर्थ को काम हो। फिर है इन लास्ट 100 ईयर्स द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज इंक्रीज बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस। लास्ट 100 साल में हमारा अर्थ का इतना टेम्परेचर वो बढ़ गया, 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारे अर्थ का लास्ट 100 ईयर्स में बढ़ गया। समझ में आया क्या हुआ है? तो लास्ट 100 ईयर में हमारे अर्थ का 0.6 जो है डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया है, जो हमारे अर्थ को हीट करता है क्लाइमेटिक कंडीशन में वेदर में प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसके वजह से। क्लियर, फिर एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड प्रोड्यूस अबाउट 1.5 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और एक इंसान और हम क्योंकि ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हर एक इंसान 1.5 मेट्रिक टन प्रोड्यूस करेगा है ना। तो सोचते
जाता है और ये तो चेंज स्टॉप में ही हो सकती है, इसमें मोस्टली नहीं करना चाहिए इंडस्ट्रीज में इक्वल सर्विस करना चाहिए ना, जो हमने फर्स्ट पॉइंट उसको ध्यान रखना चाहिए। ये समझ में आया? अब नेक्स्ट, बिफोर 100 ईयर्स द अमाउंट ऑफ सी ओ टू कॉज 2 to 7 ppm, 100 साल पहले बिफोर 100 साल पहले हमारे यहाँ पर था 275 ppm, इतना हमारे यहाँ पे जो है 275 ppm इतना कार्बन डाइऑक्साइड का था। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन इतना था। और 100 साल बाद आज जो है अभी की कंडीशन यहाँ पे 350 ppm जो है यहाँ पे CO2 अभी प्रेजेंट है। 100 साल पहले 275 ppm था, अभी जो है 350 ppm हो गया, मतलब आप सोच सकते हो कितना बढ़ गया। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स एक पार्ट पर मिलियन इतना सारा बढ़ गया है CO2 हमारे यहाँ। हमें सोचना चाहिए कितना सारा प्रॉब्लम, मतलब CO2 इतना बढ़ गया है, बाकी सारे गैस बढ़ गए, इतना पॉल्यूशन होगा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको कोशिश करना चाहिए कम हो। इन 1750 में, 1750 में क्या हुआ था, तो मीथेन वॉज 315, मीथेन जो है ना मीथेन वो कितना था 315 ppm। मीथेन 315 ppm 1750 में, मीथेन 315 ppm था, जो अभी 1764 में जो है बढ़ के मीथेन कितना हो गया पता है आपको, तो वो कितना हो गया 315 ppm था, तो बढ़ के 315 से वो बढ़ के सीधा 1764 कितना हो गया 1764 ppm हो गया। पूरा 3 डिजिट में से 4 डिजिट में आ गया, कितना सारा चेंज आया है ना। और ये कब का है, 0.5 में, 0.5 के अंदर मीथेन कितना हो गया, 1750 में मीथेन कितना था 2.05 में कितना हो गया, इतना मीथेन बढ़ गया, इतना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया। सोच सकते हो आप इतना इतना बढ़ गया, मतलब कितना काम है हमारी अर्थ पे, इतना सारा पॉल्यूशन कितने टाइम में पड़ता है। आप सोच सकते हो कि नॉर्मल एक्टिविटीज से ही हमारा इतना होता है, तो फिर कुछ चीज़ें तो हम बोलते कोई बात नहीं हो गया, इजी हम इजी वे घूमने के चक्कर में भले पॉल्यूशन और कर देते हैं, और फिर ये नहीं देखते कि हमारे अर्थ का पॉल्यूशन हो रहा है, हमें वैसा नहीं करना चाहिए। फिर तो ये है मीथेन की बात। अब है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये हुआ, अब नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो पहले कितना था 270 ppm, 270 जो अभी बढ़ के पता है आपको कितना हो गया है 319, 270 ppm था जो बढ़ के 319 ppm हो गया है। नाइट्रस ऑक्साइड भी इतना बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी इतना बढ़ गया, मीथेन भी इतना बढ़ गया, कितना मतलब कि पॉल्यूशन को हार्म हो रहा है। इंक्रीज यूज ऑफ फोम प्लास्टिक फ्रिज एसी सर्किट एरोसोल रेसिस द लेवल ऑफ सीएफसी, मैंने बताया वैसे पर आपको ना पता हो तो सीएफसी का यूज इंक्रीज कैसे हो रहा है, कैसे सीएफसी जो है बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है कुछ उनका यूज
broad excessive influence like cyclone has increased since last 10 years. So global warming ka badhne ki wajah se cyclone, drought, rainfall, ye subtropical ki frequency jo hai, kaise ho gayi? Upar drought bahut zyada hota rehta hai. Cyclone bahut aata rehta hai hamare yahan pe. Hai na? Ye sab jo hai badh gaye due to increase of global warming. Increase global warming CF se zyada use hone ki wajah se. Isse hame kam use karna chahiye CF se wale jo appliances jisme se CF se zyada raise क्लियर समझ में आए. फिर जो है लास्ट 10 ईयर से ये सब जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. ड्रॉट, फिर जो है ड्रॉट, रेनफॉल, साइक्लोन एक्सेट्रा, ये सब समझ में आए. अब जो है नेक्स्ट, फार्म प्रोडक्शन इज डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली. फार्म प्रोडक्शन जो है वो कैसा है, कम होता जा रहा है धीमे 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 धीमे. जो है फार्म प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, क्यों? कि वहाँ पर ड्रॉट है और पानी नहीं है, जमीन अच्छी नहीं है, न्यूट्रिशन वाली जमीन नहीं है, इसलिए फार्म प्रोडक्शन कम होता जा रहा है. समझ में आया? तो वो पे अब प्रॉब्लम है. स्नो मेल्ट हो रहा है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है. कोस्टल सेटलमेंट्स इन सम कंट्रीज आर लाइक टू सबमर्ज. अब बहुत सारे ऐसे जगह कोस्टल मतलब दरिया के किनारे वहाँ वो लोग रहते हैं, वहाँ रहते हैं लोग, तो वहाँ रहने के बाद वहाँ जो गंदगी करते हैं तो उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है. सी में सी के थ्रू पॉल्यूशन होगा, इवेपोरेशन जो होगा वाटर साइकिल का उसमें प्रॉब्लम होगा. तो लिटरल हार्ट को हमें ही हार्म होगा, हमारे अर्थ को हार्म होगा ना, तो वो समझना चाहिए. हाई टेम्परेचर होने की वजह से ह्यूमन हेल्थ जो है जनरली प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे डिजीज जो है बढ़ते हैं. क्लियर समझ में आए? फिर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, बायोगैस एक्सेट्रा, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये सब कैसे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस. सोलर एनर्जी जो है हम एक बार यूज करके फिर से प्रोडक्शन हो सकता है. जियो थर्मल एनर्जी इसमें भी प्रोडक्शन, ये सब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस है एनर्जी. क्लियर? आपको क्वेश्चन आएगा राइट डाउन द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, आपको वहाँ पर ये सब मेंशन करना. क्लियर? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे. ठीक, तब तक आप एक एक पूरा फिर से रीड करना, अपने करना. ठीक.